आजा भाई आजा, करीब आजा कैमरा मैन। तो सुबह सुबह तो सोया था मैं, जल्दी उठ गया तो मुझे कंचनजंगा दिखाई दिया। दिखा दो अपने फ्रेंड्स को, सब को दिखा दे रहा है, दिख रहा है ना? तो अभी मैं दिखा दे सर। तो जो जो दार्जिलिंग आना चाहता है मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और क्या बोलूँ, मुझे तो बोलने को भी इतना शर्म आ रहा है यार। ये अपना छोटा भाई, अभी भाई का स्कूल छुट्टी है इसीलिए उसको दार्जिलिंग पे लेके आया हूँ। अभी कुछ दिन बाद घर चला जाएगा। भाई अपना नाम बता दे। नाजिम खान। ये भाई सोया था सुबह, मैं लगभग 6 बजे उठा था, उस टाइम मैंने व्यू देखा, इसको मैंने उठाया नहीं, फिर बाद में इसको उठाया। तो ये देख के ये भी बहुत खुश हुआ है। मुझे देख के विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, तू कौन सा क्लास में पढ़ रहे? 10th में। 10th में, 10th में पढ़ता है, लेकिन उतना आता नहीं कुछ, सिर्फ नाम के लिए पढ़ता है। वो ABCD मूवी है ना, वैसा ही आता है ABCD बस। और क्या बोलते हैं, व्यू दिखा दे गेस्ट को। हाँ दिखा दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, जो भी तो देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो हाँ चलो, थैंक यू भाई। और मैं क्या बोलना चाहता ना, जब तुझे तू जब नहीं उठाता ना तो मैं क्या वीडियो अच्छा से कर रहा था। तू जैसे ही उठ गया अभी, तू रिकॉर्ड ये कर रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रहा। क्यों पता नहीं, मैं वैसे ही हंसी आने से ही जो ऑडियंस है उसको भी अच्छा लगता है। व्लॉग है ये हम लोगों का। हाँ। ज़्यादातर अभी हम लोग होटल के बारे में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग घूमने आओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। और आपको जानना जरूरी है, और आप लोग ऐसे ही आ जाते हो बिना बुकिंग के या फिर कैसे भी आते हो तो होटल वगैरह देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपको सबसे जरूरी है लोकेशन दार्जिलिंग, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होता है ना तो प्लेन साइड से जो भी गेस्ट आते हैं उसको सांस फूल जाता है, चढ़ने में उतरने में दिक्कत। मैं तो इतना ये हूँ फिर भी मतलब मेरे को तो दिक्कत होता है इधर उधर ऊपर जाते दार्जिलिंग घूमने से, तो टूरिस्ट को तो और ज़्यादा होगा। इन लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का मेन लोकेशन में आपका होटल है। हम लोग के पास आने से लोकेशन में ये नहीं होगा ना, लेकिन हम लोग हमेशा सबको तो रूम नहीं दे पाएंगे। हम लोग के पास 10 ही रूम है, तो हम लोग 10 गेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन अपने पास तो इंक्वायरी ऑलरेडी बहुत है। तो हाँ, तो इसीलिए जो भी आप होटल बुक करोगे अच्छा लोकेशन में बुक कीजिएगा, क्योंकि दार्जिलिंग में अगर 2 मिनट बोलता है ऊपर नीचे, 2 मिनट आपको चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से लोकेशन देख लीजिएगा, और हम लोग का लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है। तो आप दार्जिलिंग आने से फर्स्ट में मुझे कॉल कीजिएगा, हम लोग के पास रूम खाली रह गया तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसीलिए मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको रूम दे सकूँ। तो आप जब अगर अक्टूबर में भी बहुत सारा बुकिंग हो चुका है, आपको अगर आना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वैसे भी तो हम लोगों का वो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे जो मेल या हमारा होटल से जो मेल का रास्ता है। हाँ, मैंने सब डाल दिया है वीडियो में। हाँ, हाँ, जो आप सब देख सकते हैं जाके आप मेरा चैनल में। मेरा चैनल का नाम क्या है, दार्जिलिंग होटल्स ना, दार्जिलिंग होटल्स। ये भाई भी मेरा चैनल खोल के दिया है, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है ना, एडिट नहीं करता हूँ। एडिट वो यही है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर रहा अभी कुछ वीडियो से, क्योंकि एडिट करने से क्वालिटी अच्छा नहीं आता। तो ऐसे मेरा फ़ोन में जो जैसे मैं करता हूँ वैसे अपलोड कर लेता हूँ। एडिट तो, करने से अच्छा क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। हाँ, तो इसीलिए एडिट करके क्या फायदा है बोलो तो। अभी, गेस्ट को अभी भाई ऐसे अपलोड कर देते हैं। हाँ, तो गेस्ट को डायरेक्ट दिखा दो, जो है अपन डायरेक्ट दिखाओ ना। हाँ जी, क्योंकि फायदा नहीं है ना, वो एडिट करके फिर क्वालिटी भी अच्छा नहीं आएगा, और अपना फ़ोन से क्वालिटी ऐसे ही अच्छा आता है ना। तो गेस्ट को अभी थोड़ा व्यू दिखाएंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। तो गेस्ट को क्या बोलते हैं, कंचनजंगा व्यू दिखा दे। कंचनजंगा व्यू दिखा दे, थोड़ा अपन दोनों भाई को देख लो। इसका नाम है नाजिम, मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ रजा। हम लोग का होटल का नाम है होटल टिबेट होम, और मेरा नंबर है 7738718434। ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। हाँ, वो नंबर तो मैं दे दूंगा, मेरा सब वीडियो देखिएगा। चलो फिर व्यू दिखाते हैं। ये मेरा नया जूता है, देख लीजिए। शूज जो है बहुत अच्छा है। तो ये कितने का लिया था मैं पता ना जी, मैं पेन और ये 1500 में लिया था, दोनों सस्ते में, बहुत ही सस्ता सस्ता ही मिला है। हाँ, ये नाजिम है, तुम अभी दिख रहा ना जो बादल। हाँ, ये सुबह कुछ नहीं था, ये पूरा कंचनजंगा था। अच्छा। तो जो भी दिख रहा है गेस्ट, वो मेरा पहले आज सुबह का जो वीडियो देखेगा, सुबह 6:30-7 बजे का, तो वो बहुत ही अच्छा क्लियर आया है, वो आपका चैनल में जाके देख सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या छत में अभी लेके जाऊँ, छत से दिखाऊँ क्यों? छत से आपका दूसरा वीडियो अपलोड है क्या? हाँ, मैंने सुबह जाके किया था, उस टाइम में अभी यहीं से समाप्त करते ना, 5 मिनट क्या करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये पूरा व्यू दिखा देता है। तुमको पता है ना जी वो क्या है, वो जो बादल है ना,
वहाँ पर संदकपुर है। अच्छा संदकपुर, जहाँ से वो कंचनजंगा वो पास में दिखता है, और वहाँ पर ट्रैकिंग करके जाता जाता गेस्ट, तो जो ट्रैकिंग करके जाना चाहता है। अभी देखो बादल, सुबह का इसमें कुछ नहीं था ऐसा, सुबह पूरा बादल भी, इसका मौसम जो अच्छा लगता है बादल। हाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये शाम को फिर देखोगे यहाँ नीचे बादल आ जाएगा, हम लोग ऊपर, हम लोग ऊपर रहते हैं बादल नीचे। हाँ तो खूबसूरत लगता है ना। हाँ तो अभी वीडियो में यही समाप्त करूँगा, तो इधर का भी नज़ारा देख लो। ये हम लोग आप लोग को ये हम लोग का होटल का लॉबी से दिखा रहा था। नाजिम इधर आजा, यह लॉबी यहाँ समाप्त करेंगे। यहाँ से कंचनजंगा सबके लिए एकदम कॉमन है, यहाँ पे बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं, और यहाँ पे कंचनजंगा का और पूरा दार्जिलिंग का व्यू का मजा ले सकते हैं। छोड़, तू अब तेरा स्कूल कब खुलेगा, तू स्कूल जा, अब घर जा। अभी अभी तो नहीं खुल रहा है, वही तो दार्जिलिंग बहुत, पूरा दार्जिलिंग तो घूम लिया, पूरा दार्जिलिंग। उस दिन टाइगर हिल गया था ना वो मैडम लोग के साथ, साइटसीइंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग जो दार्जिलिंग का पूरा साइटसीइंग है, फुल साइटसीइंग का वीडियो जल्दी हमारे चैनल में आ जाएगा। लेकिन हम लोग तो सब घूम के उस दिन वीडियो भी बनाया, लेकिन डाला नहीं ना, वो सब डाल देते ना, गेस्ट लोग को मालूम मिल जाएगा ऑलरेडी। तो अभी सब खुल गया लगता है, सुबह 4 बजे का टाइगर हिल भी खुला है, बत्तर स्लोप, रॉक गार्डन, टी गार्डन, रूपे भी खुल गया कल, सब खुल गया। सिर्फ जू बना है, वो भी खुल जाएगा जल्दी, बतास स्लोप भी खुल गया, जापानी टेंपल, पीस पगोडा, हाँ सब खुल गया। अभी हम लोग तू उस दिन जो गया था सब वीडियो बना के लेके आया ना, वही तो मैं अभी उसको अपलोड करेंगे। हाँ तो ठीक है, चलो अभी फिर खत्म करते हैं यहीं पर। चलो अभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा दार्जिलिंग में आपको क्या देखना है वो भी बताइएगा। ये देखिए यहीं पर महल है पास में ही।